टॉपिक है मानव का विकास। मानव ऑर्डर प्राइमेट का सबसे एडवांस जीव माना जाता है। यूं कहें कि एनिमल किंगडम में भी सबसे एडवांस जीव मनुष्य, जिसका कि साइंटिफिक नाम होमो सेपियंस सेपियंस है, माना जाता है। अब प्रश्न अधिकतर यह उठता है कि मानव का इवोल्यूशन प्रोसेस में विकास हुआ कैसे? तो सीरम संबंधी प्रमाणों से यह एविडेंस मिले हैं कि मानव का विकास संभवतः कपी जैसे गोरिला चिंपैंजी के इवोल्यूशन से हुआ है। आधुनिक मानव जो कि प्राइमेट का सदस्य है और प्राइमेट्स के अन्य सदस्य लीमर बंदर टार्सियस लंगूर गिबन गोरिला चिंपैंजी है, अधिकांश वैज्ञानिकों का मत है कि इन सभी प्राइमेट्स का विकास छछूंदरों या शू से हुआ होगा। इसके व्यापक प्रमाण भी उपलब्ध हैं और इनका विकास का क्रम संभवतः इस प्रकार हुआ होगा। शू से लेमर्स का इवोल्यूशन हुआ होगा, लेमर्स से टार्सियस का, टार्सियस से बंदर का, बंदर से पोंगाइडी जो कि कपी को रिप्रेजेंट, एक तरफ अनेक वैज्ञानिक कपी और मानव में व्यापक समानता देखते हैं, वहीं दूसरी ओर अधिकांशतः वैज्ञानिक और रिसर्च स्कॉलर इस मत से भिन्नता रखते हैं और कपी और मानव में व्यापक अंतर को वह चैलेंज करते हैं कि कपी से जरूरी नहीं है कि मानव का विकास हुआ होगा। कपी और मानव में जो अंतर है वो इस प्रकार है, कपी कुछ झुककर चलते हैं, उनके झुकने का कारण उनके कशेरुक दंड में लंबर कर्व का अभाव होना है, जिसके कारण चलते समय वह अग्रभुजाओं का सहारा लेकर के चलते हैं। इसके विपरीत मानव पिछली टांगों पर सीधा खड़ा होकर के चलता है और चलते समय उसकी अग्रभुजाएं बिल्कुल फ्री होती है, जो कि अन्य कार्य कर सकती है, जिसका मुख्य कारण है कशेरुक दंड में लंबर कर्व का पाया जाना, जिसके कारण वह एकदम तन करके सीधा खड़ा हो सकता है। कपी का निचला जबड़ा भारी होता है, दांत अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और ठुड्डी गोल होती है, जबकि हम जब मानव की बात करते हैं, मानव में ऊपरी जबड़े के अपेक्षाकृत निचला जबड़ा हल्का होता है, दांत भी कपी की अपेक्षाकृत या यूं कहें मुंह की अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और ठुड्डी अधिकांशतः चपटी ही होती है। कपियों में महारंध्र मस्तिष्क कोष के पीछे की ओर होता है, जिसके कारण इनको सिर स्वतंत्रता पूर्वक दाएं बाएं घुमाने में कठिनाई होती है। इसके विपरीत मानव में महारंध्र मस्तिष्क कोष के नीचे की ओर उपस्थित होता है, जिससे इनमें गर्दन को दाएं बाएं या इधर उधर घुमाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। कपियों में पैर के अंगूठे काफी बड़े होते हैं और वह वस्तुओं को पकड़ने में काम आ सकते हैं, जबकि मनुष्यों में अंगूठे वस्तुओं को पकड़ने में काम में नहीं आते हैं, क्योंकि यह अंगुलियों से ठीक 90 डिग्री एंगल बनाए जीवाश्मों के आधार पर मानव का विकास क्रम जानने का प्रयास किया गया है। संभवतः उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ऐसा विश्वास किया जाता है कि मानव का विकास निम्नलिखित क्रम में हुआ होगा। सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक मानव में प्रोप्लियोपिथेकस के अवशेष उपलब्ध है। ऐसा माना जाता है कि यह मानव पूर्वज ओलिगोसीन युग में
इनका प्रादुर्भाव हुआ था और संपूर्ण ओलिगोसीन युग में इनकी उपस्थिति रही होगी। इनके जीवाश्म फायुम निक्षेपों से प्राप्त हुए हैं। प्रोप्लियोपिथेकस के अवशेषों में मानव और कपी दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। अगला ड्रायोपिथेकस, इसका विकास मायोसीन युग के मध्य में माना जाता है। इसका अपूर्ण कंकाल डॉक्टर लीकी को अफ्रीका कि विक्टोरिया झील के आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है। ड्रायोपिथेकस संभवतः पहले मानव थे जिनका विकास कपियों से स्वतंत्र हुआ होगा। इन्हें कपी मानव भी कहा जाता है। अगला है ओरियोपिथेकस। ओरियोपिथेकस के अवशेष या जीवाश्म इटली की केले खान से प्राप्त हुए थे। यह संभवतः पहले मानव थे जो कि आधुनिक मानव की तरह खड़े होकर के चल सकते थे। इनसे पूर्व के मानव कपियों की तरह आगे से थोड़ा झुककर और फोर लिंब की सहायता से चलते थे। इनका प्रादुर्भाव मायोसीन के अंतिम या प्लायोसीन के प्रारंभिक मानव विकास क्रम में अगला नंबर आता है कैनियोपिथेकस का। ऐसा माना जाता है कि कैनियोपिथेकस प्लायोसीन युग में इस धरती पर उपस्थित थे। इनके जीवाश्म अफ्रीका की विक्टोरिया झील के आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। दंत विन्यास के आधार पर ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह रामापिथेकस से मिलते जुलते रहे होंगे। अगला है जिंजेंथ्रोपस, प्राचीनतम आदि मानव माना जाता है। इसके जीवाश्म लीकी नामक वैज्ञानिक को टंगानिका में ओल्ड वाइट चट्टानों के आस से प्राप्त हुए थे। इनके अवशेषों के आसपास ही पत्थरों के औजार भी प्राप्त हुए हैं और ऐसा विश्वास किया जाता है कि जिंजेंथ्रोपस पहला मानव था जिन्होंने पत्थरों से औजार बनाना और उनका उपयोग करना प्रारंभ किया हुआ। यह मानव लगभग 5 फीट लंबे और इनकी कपाल गुहा 600 से 650 घन सेंटीमीटर की थी। अगले हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अवशेष रॉबर्ट ब्रूम और रॉबर्ट डार्ट को दक्षिणी अफ्रीका के चुन्ने की खानों से प्राप्त हुए हैं। इन्हें कपी मानव भी माना जाता है। इनकी खोपड़ी में महारंध्र नीचे की ओर खिसका हुआ था जिसके कारण यह जिंजेंथ्रोपस की अपेक्षाकृत सीधा और तनकर चल सकते थे। यह मानव गुफाओं अगला है पैकिंग मानव या सिनेंथ्रोपस। इसके अवशेष पाई नामक वैज्ञानिक को चीन से प्राप्त हुए थे। इन्हें होमो इरेक्टस पैकेनेंसिस के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 5 से 5.25 फीट लंबाई के रहे होंगे। इनकी कपाल गुहा का आयतन 1200 घन सेंटीमीटर था। यह मानव शिकार कर सकते थे, गुफाओं में रहते थे, मांस खाते थे, आग का प्रयोग करते थे और संभवतः पहले मानव थे जिन्होंने पका हुआ मांस खाना प्रारंभ किया था। विकास क्रम में अगले हैं होमो हैबिलिस। इसके जीवाश्म लॉकी नामक वैज्ञानिक ने खोजे थे। इन्हें सिनेंथ्रोपस लेंशियानेंसिस भी कहा जाता है। इसके अवशेष भी चाइना इंडोनेशिया से प्राप्त हुए हैं। यह अपेक्षाकृत अधिक बुद्धिमान एवं चतुर थे। इनकी कपाल गुहा का आयतन 700 से 900 घन सेंटीमीटर था। यह मानव सर्वाहारी थे। अगले है हिडेलबर्ग मानव। जर्मनी के हिडेलबर्ग से अवशेष प्राप्त होने के कारण इनका नाम हिडेलबर्ग रखा गया। इनका साइंटिफिक नाम होमो हिडेलबर्ग जेंसिस
है, यह लगभग 5.25 से 5.5 फीट लंबाई के थे और इनकी कपाल गुहा का आयतन 900 घन सेंटीमीटर तक था। अगला है होमो नियंडरथेलेंसिस। होमो नियंडरथेलेंसिस से ऐसा माना जाता है कि विकास क्रम में अगला नंबर आता है सोलो मानव, जिसके अवशेष जावा में सोलो नदी के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए थे। इनकी कपाल गुहा का आयतन लगभग 1300 घन सेंटीमीटर था। यह मानव गुफाओं में रहते थे, भोजन पका सकते थे और सर्वाहारी थे। अगला मानव पूर्वज है क्रोमैग्नन मानव। क्रोमैग्नन मानव को आधुनिक मानव का निकटतम पूर्वज माना जाता है। इसके जीवाश्म यूरोप के अधिकांश क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। पहला अवशेष लेस एजिस ने प्राप्त किया था। क्रोमैग्नन मानव की विशेषता है कि इसकी लंबाई 5.25 से 6 फीट तक थी, कपाल गुहा 1600 घन सेंटीमीटर तक थी। सीधे खड़े होकर के चल सकते थे, शिकार करना जानते थे, औजार बनाने के अतिरिक्त पशुपालन और खेती करना भी भलीभांति जानते थे। यह मानव छोटे परिवारों में रहते थे और भोजन को पका कर खाना प्रारंभ करने के साथ साथ यह प्रथम मानव थे जिन्होंने गुफाओं में चित्रकारी प्रारंभ की थी। क्रोमैग्नन मानव के बाद नंबर आता है होमोसेपियंस का, जिसे कि आधुनिक मानव माना जाता है। इस मानव की विशेषता, पहला, यह दोनों भुजाओं फोरलिंब और हिंड लिंब पूरी तरीके से स्वतंत्र है। हिंड लिंब पर सीधा खड़ा हो सकता है। दांतों का विन्यास व्यवस्थित है। कपाल गुहा 1400 से 1600 घन सेंटीमीटर है। इस टॉपिक से अमूमन हर बार एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं। प्रश्न ये पूछा जा सकता है वेरी शॉर्ट में कि मानव या प्राइमेट्स की उत्पत्ति किससे हुई है। इसका आंसर होगा शू या छछूंदरों से हुई है। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि कपि और मानव में क्या क्या समानताएं हैं। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है मानव विकास क्रम को समझाइए, तो इसमें कम से कम 6 या 7 मानव पूर्वजों के बारे में लिखना आवश्यक होता है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है जावा मानव की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है रामापिथेकस मानव के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि रामापिथेकस को मानव का प्राचीनतम पूर्वज क्यों माना जाता है। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है सबसे पहले आग का प्रयोग करना किस मानव ने प्रारंभ किया था। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है आधुनिक मानव के निकटतम पूर्वज किन्हें कहा जाता है। किस मानव ने सबसे पहले पशुपालन करना प्रारंभ किया,